आपके साथ सपना दानू, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर पर। कप्तान को लताड़ा, बेरहमी से डांटा, बेइज्जत किया, न सिर्फ अपनी टीम बल्कि भारतीय क्रिकेट जगत को भी शर्मसार किया। अब क्या लिया जाएगा बड़ा फैसला, दिखाया जाएगा आईना। अक्सर आपने क्रिकेट के मैदान में दो टीमों के बीच राइवलरी या फिर खिलाड़ियों के बीच नोकझोंक देखा होगा, और खासकर आईपीएल में ये चीजें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन अब तक कभी किसी ने ये तो नहीं देखा था कि किसी टीम का ओनर अपने ही टीम के कप्तान को भरे मैदान में कैमरों के बीच जलील कर दे। जिस चीज की उम्मीद कभी किसी ने नहीं की थी वो हुआ, और आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ आईपीएल में किसी टीम के कप्तान को शर्मसार किया गया। ये तक याद नहीं रहा कि ये खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल में उनकी टीम का कप्तान नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाला और भारतीय टीम का स्टार खिलाड़ी है। बात हो रही है आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान और भारतीय टीम के खिलाड़ी केएल राहुल की, और उस शख्स की जिसने अपने ही खिलाड़ी के साथ भरे मैदान में एक नौकर की तरह सलूक किया, और वो शख्स है एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका, जिनकी हर कोई इस वक्त आलोचना कर रहा है और केएल राहुल को एलएसजी छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। एसआरएच और लखनऊ के बीच खेले गए मुकाबले में बेशक एलएसजी की बुरी हार हुई, खिलाड़ियों ने ना बैटिंग ठीक से की ना बॉलिंग ढंग से की, यहां तक कि कप्तान केएल राहुल का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। स्लो स्ट्राइक रेट के चलते केएल राहुल को ट्रोल किया गया और एसआरएच ने 9.4 ओवर में ही ये गेम जो है खत्म कर दिया था, जिसके बाद एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका ने आओ देखा न ताओ अपने कप्तान को इस कदर बेइज्जत किया कि हर कोई संजीव गोयनका के लहजे से नाखुश दिखा। यहां तक कि कमेंटेटर्स कहने लगे इस तरीके की बातचीत मैदान में और कैमरे के बीच नहीं होनी चाहिए, अगर इस लहजे से बात करना भी था तो मैदान से बाहर जाकर करना चाहिए था, और बात भी सही थी। प्रदर्शन हार जीत अपनी जगह है, लेकिन किसी कप्तान को इस तरह फटकारना ये कहां सही है। संजीव गोयनका ने केएल राहुल का ड्रेसिंग रूम में जाने का इंतजार भी नहीं किया, मैदान में ही लगातार उन्हें बदतमीजी से खुलेआम सुनाने लग गए थे। हालांकि एलएसजी को यहां पे हार का सामना करना पड़ा, और जिस तरीके से केएल राहुल पवेलियन वापस लौट रहे थे हार के बाद, उन्हें किस तरीके से संजीव गोयनका से बात करते हुए देखा गया ये सभी जानते हैं। भले ही संजीव गोयनका ने करोड़ों में एलएसजी को खरीदा हो, वो अरबों के मालिक हो, लेकिन वो ये भूल गए कि केएल राहुल भारतीय टीम के एक सीनियर खिलाड़ी हैं, केएल राहुल उनके नौकर नहीं बल्कि टीम के कप्तान हैं। इस घटना के बाद हर कोई कह रहा है कि अब केएल राहुल को अपनी इज्जत के सिवाय कुछ नहीं देखना चाहिए, केएल राहुल को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट आगे रखनी चाहिए। हालांकि केएल राहुल ने अपना बड़प्पन उस वक्त दिखा दिया था जब संजीव गोयनका चिल्ला चिल्ला कर भरे मैदान में कैमरों के बीच केएल राहुल की इज्जत तार तार कर रहे थे, तब केएल राहुल ने शांत होकर अपनी इंसानियत दिखाई। उन्होंने उम्र का लिहाज किया और दिखाया केएल राहुल के व्यवहार को लोग क्यों इतना पसंद करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जिल्लत की रोटी से पेट की भूख मिटती तो नहीं, मगर हाँ मर जरूर जाती है। और अब केएल राहुल के फैसले का इंतजार हर कोई कर रहा है। सोशल मीडिया पर केएल राहुल के नाम से हैशटैग चलाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है केएल राहुल को तुरंत कप्तानी और टीम छोड़ देनी चाहिए। उनके लिए कई ऑप्शन हैं, वो किसी भी टीम में जा सकते हैं, और केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनके लिए कई टीमों के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। अब देखना होगा केएल राहुल आगे क्या फैसला लेते हैं, या फिर एक बार फिर बड़प्पन दिखाते हुए एलएसजी में ही रहते हैं। वैसे आपके हिसाब से केएल राहुल को क्या फैसला लेना चाहिए, कॉमेंट करके जरूर बताएं।